नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए टीएसजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स ने आज एक साइकिल रैली आयोजित की, जिसका उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य और समाज पर नशीली दवाओं के गंभीर प्रभाव के बारे में शिक्षित करना था। यह कार्यक्रम सुबह 6 बजे टीएसजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के प्रबंध निदेशक श्री टीएसजी भास्कर द्वारा ऐतिहासिक सेलुलर जेल से रैली को उत्साहपूर्वक हरी झंडी दिखाने के साथ शुरू हुआ। उनके साथ टीएसजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के निदेशक श्री दक्षिण भास्कर और टीएसजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के कॉरपोरेट महाप्रबंधक श्री चिरंजीत दास भी शामिल हुए। साइकिल सवार नशीली दवाओं के खिलाफ नारे लिखे तख्तियां लेकर बारिश का सामना करते हुए शहर के प्रमुख इलाकों जैसे कि क्लॉक टॉवर, बंगाली क्लब जंक्शन, मिडिल पॉइंट और गोलघर जंक्शन से गुजरे। रैली फीनिक्स बे में टीएसजी एमराल्ड व्यू होटल में संपन्न हुई, जो एक सफल जागरूकता अभियान का प्रतीक है। साइकिल रैली ने समुदाय के भीतर नशा मुक्त वातावरण को बढ़ावा देने के लिए टीएसजी समूह की अटूट प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। श्री दक्षिण भास्कर ने प्रतिभागियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और सभी से स्वस्थ जीवन जीने के लिए नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे के खिलाफ सक्रिय कदम उठाने का आग्रह किया। यह पहल सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति टीएसजी होटल्स एंड रिसॉर्ट्स के समर्पण और समुदाय में सकारात्मक योगदान देने के लिए इसके निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।